गोरखपुर जिले में सोमवार को 297 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो गई। अब गोरखपुर में मृतकों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। गोरखपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9407 हो गई है। अब तक जिन मरीजों का इलाज हो चुका है, होम आइसोलेशन ओवर हो चुका है, उनकी संख्या बढ़कर 6550 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि सोमवार को गोरखपुर में जो 297 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें सदर क्षेत्र में 291 तो ग्रामीण क्षेत्र में 47 सहित अन्य 31 कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। आपको बता दें कि सदर क्षेत्र में जो 219 मरीज पाए गए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 72, गोरखनाथ क्षेत्र में 34, राजघाट क्षेत्र में 16, तिवारीपुर क्षेत्र में 6, कैंट क्षेत्र में 59, कोतवाली क्षेत्र में 16, रामगढ़ताल क्षेत्र में 13, चिलुआताल क्षेत्र में 1, गुलहरिया क्षेत्र में 2 मरीज पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 47 नए मरीज पाए गए हैं। उनमें ब्रह्मपुर क्षेत्र के 2, कैंपियरगंज क्षेत्र में 1, चरगवां क्षेत्र में 8, गगा क्षेत्र में 3, कौड़ीराम क्षेत्र में 3, खजनी क्षेत्र में 1, खोराबाद क्षेत्र में 12, पिपरौली क्षेत्र में 2, पिपराई क्षेत्र में 1, सैजनवा क्षेत्र में 7, सरदारनगर क्षेत्र में 4, गोला क्षेत्र में 1, पिपराई क्षेत्र में 1, पाली क्षेत्र में 1 सहित अन्य 23 मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनके परिजनों की कोरोना जाँच कराई जाएगी। साथ ही इलाके को सील कर सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। आगे की विधिक कार्यवाही में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट गई है।